दोस्तों सब्सक्राइब करिए बाबर इस चैनल को बेल बटन के साथ ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों बाबर इस चैनल की टेक न्यूज में आपका वेलकम है। इस वीडियो में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव है। जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। दोस्तों ओप्पो ने एक नया फोन जल्द ही लॉन्च करने वाला है जिसका प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 768G होगा। ये एक नया प्रोसेसर है और बहुत ही कम फोन्स इसे इस्तेमाल करते हैं। ये 6.43 इंच सैमसंग E1 प्रो एमोल्ड डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। इसकी खास बात है कि इसमें 12GB LPDDR4X मेमोरी, सोनी IMX615 सेंसर कैमरा और डॉल्बी पैनोरामिक साउंड स्पीकर होगा। तो जो लोग ओप्पो लवर है वो इस फोन के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। दोस्तों iPhone 13 इस साल लॉन्च हो सकता है और इस मॉडल में आपको iPhone 12 के सारे फीचर्स मिलेंगे, या ये कह सकते हैं कि iPhone 12 सीरीज का ही ये एक एक्सटेंशन है कुछ माइनर चेंजेस के साथ। जैसे इसका प्रोसेसर A15 होगा जो 5nm प्लस आर्किटेक्चर बेस्ड है। iPhone 12 में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन यूज की गई थी पर इसमें iPhone 13 में सेंसर शिफ्ट स्टेबलाइजेशन यूज की गई है। iPhone 13 सीरीज में सेम मेमोरी और स्टोरेज ऑप्शंस होंगे जो कि आपको iPhone 12 में नजर आते हैं। तो दोस्तों मेरी राय में जिनके पास iPhone X है या iPhone 11 है वो अपग्रेड कर सकते हैं, पर जिनके पास ऑलरेडी iPhone 12 है वो इस फोन में अपना पैसा वेस्ट न करें। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अपने ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज में एक नया फीचर ऐड करने जा रहा है जिससे आप अपने वेब पेज या इंटरनेट टैब को दूसरे कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ बड़ी आसानी से शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेबसाइट यानी www.netflix.com किसी के साथ शेयर करनी है तो बस आप सेंड पर क्लिक करें और शेयर कर दें। तो दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे आने वाली इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। अपनी हेल्थ का ख्याल जरूर रखें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।